टाटा संपन्न ब्रांड का काला चना आता है ना, तो आज देखेंगे इसका रिव्यू और रेसिपी। ये 1 kg का काले चने का पैक है और इसकी MRP है 120 रुपीज़, लेकिन अमेज़ोन से ये हमें 93 रुपीज़ में मिल जाता है। और ये ना अनपॉलिश्ड है, मतलब इस पर कोई आर्टिफिशियल पॉलिशिंग नहीं की है, तो ये हमारे लिए बेटर है। तो चना तो बिल्कुल साफ़ है, कोई डस्ट वगैरह नहीं दिख रही। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में कम से कम इसको 6 घंटे के लिए भिगोना है या ओवरनाइट सोक कर दो। और 6 घंटे बाद देखो चने तो फूल गए, ये वाले पानी को हम निकाल देंगे। और अब चने जाएंगे कुकर में, और 1 कप चने के लिए हम 3 कप पानी यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गया नमक 1 चम्मच। अब हमको प्रेशर कुकर में लगानी है सीटी, तो पहली सीटी तो आएगी हाई फ्लेम पर, उसके बाद फ्लेम कर दो लो, और 25 मिनट तक इसमें सीटियाँ आने दो, चाहे जितनी सीटियाँ आएँ, ठीक है। चने एकदम बढ़िया से उबल जाने चाहिए, मतलब ऐसे प्रेस करो तो इतनी इजीली मेल्ट होने चाहिए। और अब एक पैन में 2 चम्मच तेल लो। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, अब इसमें जाएगा जीरा, और जीरा के चटकते ही जाएगा 2 प्याज का पेस्ट। और प्याज को हमको गोल्डन होने तक भून लेना है। और अब यहाँ पर जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको 1 मिनट के लिए और पका लो, ताकि अदरक लहसुन का रॉ फ्लेवर चला जाए। और अब गैस का फ्लेम कर दो कम, और इसमें जाएंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर, हल्दी, नमक और लाल मिर्च। अब कम आंच पे इसको टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है। आप देखना तेल ऐसे साइड में अलग आ जाएगा और टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें जाएंगे उबले हुए चने, और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल के इसको मिक्स कर दो अच्छे से। अब इसमें उबाल आ जाने दो। अब जब उबाल आ जाए, तब गैस का फ्लेम फिर से कम कर दो और इसको 10 मिनट पे उबलने दो। और लास्ट में गैस बंद करके ये गए हरे धनिए के पत्ते, और हमारी ग्रेवी वाले काले चने की सब्ज़ी रेडी। ये पूड़ी, रोटी, चावल तीनों के साथ जाती है। चने की क्वालिटी और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा है, तो इस रेसिपी को ट्राई करो। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी तामझाम नहीं डाला हमने, सिंपल तरीके से बनाई है। गिव इट अ ट्राई एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।